बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि इस चैनल पे हम केमिस्ट्री की क्लासेस लेते हैं, तो आज हमने जो केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ना है, रोल ऑफ जिप्सम, लेक्चर 5 है चैप्टर 2 का। प्रीवियस लेक्चर में जो हमने लेक्चर 3 पढ़ा था चैप्टर 2 का, उसमें हमने जिप्सम का इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि जिप्सम क्या होता है, कैसे बनता है, या फर्दर अगर हम जिप्सम को हीट अप करें तो जिप्सम कौन सी प्रोडक्ट्स बनाता है। आज के लेक्चर में हम इसका रोल देखेंगे कि ये यूज कहाँ कहाँ पे होता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, एप्लीकेशन क्या है। जी गाइस, रोल ऑफ जिप्सम हमने देखना है। रोल ऑफ जिप्सम देखने से पहले हम देखते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है। एक दफा फार्मूला रिवाइज कर लेते हैं। CaSO4.2H2O। अब जैसा कि आपको नजर आ रहा है, कैल्शियम सल्फेट के साथ दो वाटर मॉलिक्यूल हैं, तो इसका मतलब है दिस इज द हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ कैल्शियम सल्फेट। तो आप बोल सकते हैं इसको हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट इज नोन एज जिप्सम। ये एक जिप्सम का क्रिस्टल बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं, दिस इज अ क्रिस्टल फॉर्म ऑफ जिप्सम। सेकेंड ईयर के सिलेबस में जो हमारे पास जिप्सम का रोल है, एप्लीकेशन है, वो हमने दो जगह पे पढ़नी है। एक तो हम पढ़ेंगे रोल ऑफ जिप्सम इन एग्रीकल्चर, सेकेंड हम पढ़ेंगे रोल ऑफ जिप्सम इन इंडस्ट्री। रोल ऑफ जिप्सम इन एग्रीकल्चर अगर हम देखें, एग्रीकल्चर के आपके नाम से पता चल रहा होगा, एग्रीकल्चर मीन क्रॉप्स, फसलें, जमीन, कल्टीवेटेड लैंड, जहाँ पे फसलें ग्रो करती हैं उसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग अगर हम चलें, अब यहाँ पे एग्रीकल्चर में हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, तो दिस इज यूज्ड एज फर्टिलाइजर, खाद के तौर पर यूज होता है। अब फर्टिलाइजर यूज होता है, फर्टिलाइजर का मतलब है कि हम कोई फर्टिलाइजर अगर क्रॉप्स में डालते हैं तो वो क्या, सबसे पहला उसका काम क्या होता है, उसकी ग्रोथ को बेटर करना, उसकी ग्रोथ अच्छी करना। और कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेटेड फॉर्म में अगर हम जिप्सम की फॉर्म में डालेंगे तो ये क्या करेगा, एक बैरन लैंड भी अगर हो तो उसको भी कल्टीवेटेड लैंड में कन्वर्ट कर देगा, जिसको आप बोल सकते हो जिप्सम इज यूज फॉर रिक्लेमिंग ऑफ स्लाइन सॉयल, बैरन लैंड को कल्टीवेटेड लैंड में कन्वर्ट कर देगा। किसके जरिए, जिप्सम में जो कैल्शियम और सल्फर होते हैं उनके जरिए। अब हमें पता है कि जिप्सम क्या है, जिप्सम इज अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड सल्फर। अब कैल्शियम और सल्फर के अलग अलग काम हैं, तो अगर आप पॉइंट टू देखो ऊपर वाले ब्लॉक में, तो कैल्शियम क्या करता है, क्रॉप्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, उसकी यील्ड बढ़ाता है, और उसके अलावा जो जमीन में, लैंड में, सॉइल में लीचिंग हो जाती है, बड़े बड़े सुराख बन जाते हैं, घड़े बन जाते हैं, ये उसको भी रिकवर करने के लिए यूज होता है। जी, एज अ फर्टिलाइजर ही हमने देखना है कि एग्रीकल्चर में कहाँ यूज होता है। अब पहले पिछली स्लाइड में हमने देखा कि जिप्सम में से कैल्शियम का क्या रोल है, अब हमने देखना है कि जिप्सम में जो सल्फर हमें मिलता है उसका क्या रोल है। जैसे कि हम सबको पता है कि सल्फर इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ के लिए, उसकी ग्रोइंग के लिए, उसकी नशमना के लिए सल्फर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि हमें यह भी पता है कि सल्फर इज ऑल्सो अ मेन पार्ट ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन जब बनती है तो प्रोटीन का मेन काम क्या है, प्लांट में क्लोरोफिल की डेवलप करना। जब क्लोरोफिल डेवलप होता है तो प्लांट में ग्रीन कलर डेवलप हो जाता है, जो इनडायरेक्टली किस चीज से बनता है, सल्फर से बनता है। एज सच सल्फर का और क्लोरोफिल का कोई डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है, सल्फर और क्लोरोफिल का आपस में लिंक तो नहीं है, लेकिन ये कैसे लिंकअप होते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन होता है, प्रोटीन आगे क्लोरोफिल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, तो इस वजह से सल्फर ऑटोमेटिकली क्या है, क्लोरोफिल के लिए जरूरी हो जाता है। जब प्लांट में सल्फर डेफिशिएंसी होती है तो प्लांट्स का जो ग्रीन कलर है, जो क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन कलर होता है, वो सारा क्या होता है, इमिट हो जाता है और प्लांट्स का ग्रीन कलर खत्म हो जाता है। इसके अलावा सॉइल के लिए, सॉइल में अगर हम सल्फर डालते हैं इन द फॉर्म ऑफ जिप्सम, तो ये क्या करता है, जो प्लांट्स की ग्रोथ है उनके लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है, उनकी ग्रोथ अच्छी होती है, यील्ड अच्छी होती है, और उसके अलावा एट एक्यूरेट टाइम यील्डिंग हो जाती है। सो दिस इज द यूज, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ सल्फर विच वी विल टेक फ्रॉम द जिप्सम।
नेक्स्ट अगेन एज फर्टिलाइजर हमने देखना है, फर्टिलाइजर अब हम देखेंगे कि रूट सिस्टम में क्या होता है। रूट सिस्टम क्या होता है, जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं अंडर सोइल, जमीन के नीचे जो रूट्स होती हैं उनको इनलार्ज करने के लिए, उनको फैलाने के लिए क्या होता है, सल्फर यूज किया जाता है। इसके अलावा फसलों की अच्छी क्वालिटी के लिए, बेटर क्वालिटी, आपको पता है क्वालिटीज अच्छी भी होती हैं बुरी भी होती हैं, तो अच्छी क्वालिटी की क्रॉप्स बनाने के लिए भी हम सल्फर को यूज करते हैं। लेकिन सल्फर हमने लेना कहाँ से है, फ्रॉम द जिप्सम। तो सोर्स ऑफ सल्फर क्या होगा, जिप्सम से हम लेंगे सल्फर को। ठीक हो गया। तो जिप्सम, जैसे कि हमने पहली स्लाइड में देखा कि जिप्सम इज द गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड सल्फर। कैल्शियम भी इम्पोर्टेंट है और सल्फर भी इम्पोर्टेंट है फॉर प्लांट ग्रोथ, फॉर बेटर यील्ड, फॉर रूट सिस्टम, फॉर क्वालिटी ऑफ, गुड क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स। नेक्स्ट हमारे पास जो रोल ऑफ जिप्सम है, इंडस्ट्री में देखेंगे कि इंडस्ट्री में कहाँ पे यूज होता है। इंडस्ट्री में यूज होता है इन द फॉर्म ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। लेक्चर 3 में हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस भी पढ़ा था कि व्हाट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, हाउ इट इज यूज्ड। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, अब इसकी डेफिनेशन अगर आप देखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, ये एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है कि हाउ जिप्सम इज कन्वर्टेड इन टू प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये बोर्ड में भी काफी दफा आया हुआ है, ये आपने लाजमी करना है, इंपॉर्टेंट है जी। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, जब हम जिप्सम को अबव 100 डिग्री पे हीट अप करते हैं तो जिप्सम का 3/4 वाटर जो होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, क्रिस्टल्स बन जाते हैं, वाइट पाउडर फॉर्म बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस जी। ये रिएक्शन है इसका, जिप्सम को हीट अप किया जा रहा है तो इट विल कन्वर्टेड इंटू प्लास्टर ऑफ पेरिस विद द इवोल्यूशन ऑफ 3/4 वाटर। इसमें से क्या हुआ है, इवेपोरेट हो गया है, लूज हो गया है। स्लाइड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, वट इज डेड बर्न्ड। डेड बर्न्ड क्या होती है जी, अगर सबसे पहले हमने देखा कि हम जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बना रहे हैं, इफ वी विल गिव द टेम्परेचर अबव 100 डिग्री, अगर हम टेम्परेचर को मैक्सिमम कर देते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस अब हमारे पास आ गया है, अब प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर हम और हीट अप करेंगे तो क्या होगा, जिसमें थोड़ा बहुत पानी रह गया है, जिसमें वाटर रह गए हैं, जिसमें वाटर वेपर्स रह गए हैं, वो भी क्या होंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे। चीज़ आपके पास जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल क्या हो जाएगी, अनहाइड्रस हो जाएगी विदाउट एनी ड्रॉप ऑफ वाटर। तो कैल्शियम सल्फेट आपके पास बचेगा जो बिल्कुल खुश्क हुआ होगा, उसमें एक कतरा भी पानी नहीं होगा, जिसको हम कह सकते हैं अनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। तो उस प्रोडक्ट को हम बोलेंगे डेड बर्न्ड। दिस इज एज वेल वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। अब हमने देखने हैं यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, राइट डाउन एनी 4 यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहाँ आपसे पूछते हैं हाउ, व्हाट आर द यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ना है इसको जी। अब हम यूजेस देखते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ कहाँ यूज होता है जी। प्लास्टर वॉल्स बनाने में, दीवारें बनाने में, कास्ट ऑफ स्टेच्यू, स्टेच्यू बनाने में, ये देखें आपको एक स्टेच्यू नजर आ रहा है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना हुआ है। फॉर मेकिंग कॉइन्स, सिक्के बनाने में, ये सिक्का बन रहा है उसके ऊपर देखें थोड़ी सी डिजाइनिंग हो रही है, ये कॉइन्स की शेप में है। इन सर्जरी, बैंडेज के तौर पे यूज हो सकता है, ये देखें बैंडेज आपको है, दिस इज प्लास्टर्स बैंडेज। बोन फ्रैक्चर में यूज होता है, जब कोई हड्डी टूट जाती है तो उसको स्ट्रेट करने के लिए जो व्हाइट कलर की ऊपर कोटिंग की जाती है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस मटीरियल होता है। उसके अलावा हम जब वुड पल्प में प्लास्टर ऑफ पेरिस को मिक्स करते हैं तो ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस में यूज होता है, जिस तरह पार्टीशंस में यूज किया जा सकता है, ये देखें आपको नीचे डायग्राम नजर आ रही है, ये एक पूरा हॉल है तो उसके अंदर पार्टीशन की गई है, ये भी प्लास्टर ऑफ पेरिस की कोटिंग के साथ की गई है विद डिफरेंट मटीरियल। उसके अलावा ये यूज किया जाता है इन मोल्ड्स। मोल्ड्स क्या होते हैं, सांचे, जिस तरह हम घर में बर्फ जमाने के लिए सांचा यूज करते हैं, इसी तरह ये मोल्ड्स बनाते हैं जिसके अंदर डिफरेंट शेप्स बनी होती हैं, डिफरेंट डिजाइंस बने होते हैं, तो हम उससे डिफरेंट डिजाइंस की आगे स्टेचूज डिवेल्प कर सकते हैं, डिफरेंट चीजें डिवेल्प कर सकते हैं। सो दीज आर द यूजेज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। जी दिस स्लाइड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपकी एक्सरसाइज में भी है, बोर्ड में भी आया हुआ है। सबसे पहले देखते हैं जी पोर्टलैंड सीमेंट कैसे बनता है। सीमेंट कैसे बनता है, जब हम क्ले और लाइम स्टोन को एक्सट्रीम टेम्परेचर पे हीट अप करते हैं तो पोर्टलैंड सीमेंट बन जाता है, और जो उसकी फाइनल प्रोडक्ट होती है जिसको पाउडर फॉर्म में किया जाता है, या जो पाउडर फॉर्म में होती है, फाइन पाउडर फॉर्म में, उसको हम क्लिंकर भी बोलते हैं।
अब यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाई 2% जिप्सम इज एडेड इन द सीमेंट, सीमेंट में 2% जिप्सम क्यों ऐड किया जाता है। सीमेंट में 2% जिप्सम इसलिए ऐड किया जाता है कि ये उसके सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देता है। अगर आप सीमेंट में जिप्सम ऐड नहीं करोगे तो जैसे आपने दीवार बनाई है वो फौरन से क्विक उसका सेटिंग टाइम क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, वो फौरन से क्या होगी, सख्त हो जाएगी। अगर तो उसमें कोई खराबी आ गई है, कोई डिजाइन खराब हो गया है, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकोगे। 2% जिप्सम डालने से क्या होता है, जो उसका सेटिंग टाइम है इंक्रीज हो जाता है। जैसे आपने एक वॉल पर डिजाइनिंग की है, फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा डिजाइन खराब हो गया है, तो वो सख्त नहीं होता, हार्ड नहीं होता, आप उसको क्या करते हो, थोड़ा सा चेंज कर लेते हो, जहां से खराब है चेंज हो जाएगा। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ जिप्सम व्हेन दिस इज एडेड इन द सीमेंट, कि 2% जिप्सम को जब सीमेंट में ऐड किया जाता है तो उसका फायदा क्या होता है, उसका वो सेटिंग टाइम इंक्रीज कर देता है, सीमेंट को क्विक हार्ड नहीं होने देता। क्लियर। उसके अलावा जिप्सम पेपर इंडस्ट्री में एज अ फिलर भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट है जी टाइप्स, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती हैं, व्हाट आर टाइप्स ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस या व्हाट आर टाइप्स ऑफ जिप्सम। अब सीमेंट प्लास्टर और हार्ड प्लास्टर, अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, व्हाट इज सीमेंट प्लास्टर। सीमेंट प्लास्टर क्या होता है, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में ग्लू या ऑयल हम ऐड करते हैं तो क्या करता है, वो उसको ग्रीसी टच देता है। ग्रीसी टच होने से उसका जो सेटिंग टाइम है वो इंक्रीज हो जाता है और हम इजीली डिजाइनिंग कर सकते हैं। ये देखिएगा, ये सीलिंग बनी हुई है, ये भी सीमेंट प्लास्टर से है। उसके अलावा ये देखें, सीलिंग में डिजाइन है, फ्लावर बना हुआ है सीलिंग के अंदर, डिजाइनिंग है, ये सारी सीमेंट प्लास्टर से है। इसमें ग्लू ऐड करने से एक तो इसकी एडहेसिव प्रॉपर्टी हो जाती है और हम इजीली इसमें डिजाइनिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकेंड टाइप है हमारे पास हार्ड फिनिश प्लास्टर। हार्ड फिनिश प्लास्टर कैसे बनता है, दिस इज मेड बाय द कैल्सिनेशन ऑफ अनहाइड्रस सल्फेट, ड्राई सल्फेट की जब कैल्सिनेशन की जाती है विद एलम और बोरेक्स, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है डेट मस्ट बी हार्ड फिनिश प्लास्टर। इसका सेटिंग टाइम भी स्लो होता है, ये स्लोली सेट होती है, फौरन से इसकी लुक अच्छी आती है, यानी कि सख्त हो जाता है ये सेटिंग टाइम, लेकिन स्लो होता है। अब हार्ड फिनिश प्लास्टर एलम और बोरेक्स डालते हैं, ये हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में मिनरल्स पढ़ी थी, आई होप उस टेबल को आपने याद किया होगा, जो टेबल मैंने कहा था दैट टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो आप लेक्चर दोबारा देखिएगा, उसमें मिनरल्स हैं आपके पास डिफरेंट अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल की, वो आपने लाजमी करना है। उसमें एलम का फार्मूला भी है, उसमें बोरेक्स का फार्मूला भी है जी। ये देखिएगा, ये हार्ड फिनिश प्लास्टर हुआ हुआ है दीवार के ऊपर, जो हमें सीमेंट लुक दे रहा है। उसी तरह ये देखें सेकंड डायग्राम, अगर आप देखें तो ये भी क्या है, हार्ड फिनिश प्लास्टर से कवर किया गया है। जी गाइस, दिस इज द रोल ऑफ जिप्सम इन आर लाइफ, इन इंडस्ट्री, इन एग्रीकल्चर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रमोट करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ये मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड कर सकूँ। और दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।